चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड देन उसका क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक लूज होती है। ठीक है, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल ध्यान से सुनना, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है साई जो है साई एम वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। मैं इसको लिख दे रहा हूं इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में साई एम की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/T होती है, यानी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में साई एम की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है 1/T-TC के। तो यहां पर ध्यान से देखो, जब 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 टेम्परेचर इंक्रीज होगा साई एम की वैल्यू डिक्रीज होगी। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साई एम की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अपनी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक लूज करता है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हो चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।